हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ। पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या पोस्ट होगी, कितनी पोस्ट होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई कर सकता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सारी जानकारी के लिए एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएँ ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो को आप फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं करोगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड में मैं ऑल इंडिया लेवल की नर्सिंग और पैरामेडिकल वैकेंसीज की सूचना सबसे पहले देता हूं तथा सभी नर्सिंग न्यूज और पैरामेडिकल न्यूज की सूचना भी आपको टाइम टाइम पर देता रहता हूं तथा फ्यूचर में आने वाली सभी नर्सिंग वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मैंने चला रखी है। जैसे पिछले अभी सीएचओ के एग्जाम्स हुए थे तो सीएचओ के स्पेशली एग्जाम सीरीज की क्वेश्चंस मैंने चलाई थी। वर्तमान में अभी आरआरबी रेलवे का एग्जाम है, वो 19, 20, 21 जुलाई को होने वाला है, तो आरआरबी के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर की सीरीज भी मैंने चला रखी है। आप अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड पे बार बार विजिट करते रहे हैं और इन चीज़ों को देखते रहे, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी को निकाला है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के गोवा मेडिकल कॉलेज बोमलिन ने। प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली वैकेंसी है और वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बोमलिन गोवा का जो मेडिकल कॉलेज है ये हमेशा लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही वैकेंसी निकालता है और साल या फिर 6 महीने से हर बार वैकेंसी निकालता रहता है। तो सबसे पहले नंबर 2 पे यहाँ पे दी गई है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 ही है और 12/12/2019 तक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहने वाला है। 20,320 रुपये आपका सैलरी यहाँ पे रहेगी और जिन लोगों ने फार्मेसी में डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो कैंडिडेट्स है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोंकणी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है कि आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मराठी भाषा का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लेकिन आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन और नॉलेज ऑफ कोंकणी है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में लोअर डिवीजन क्लिकर की पोस्ट है, अपने इसके काम की नहीं है। पैरामेडिकल की जो पोस्ट है उनकी बात करेंगे। नंबर 6 पे यहाँ पे दी गई है स्टाफ नर्स की पोस्ट। टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगी, 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड से रहेगा और 32,670 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग जिन कैंडिडेट्स ने की है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई के लिए और जीएनएम जिन लोगों ने की है उनको 4 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कोंकणी यानी कोंकणी भाषा का नॉलेज आपको होना जरूरी है। यानी ये जो वैकेंसी है ये गोवा के जो कैंडिडेट्स है या गोवा की जो कोंकणी भाषा को जानते हैं उनके लिए ही होने वाली है, या फिर आपके पास डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ मराठी यानी मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो मराठी का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, जूनियर कार्डियक टेक्नोलॉजी की भी पोस्ट है, सीनियर कार्डियक टेक्नोलॉजी की भी पोस्ट है। यहाँ पे एज है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स के कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा, पहले मैंने बता दिया है। और जो नंबर 2 पे जो पोस्ट थी फार्मासिस्ट की उसका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 17/7/2019 यानी 17 जुलाई 2019 को सुबह 10:30 बजे होने वाला है। इसके अलावा जो नंबर 6 पे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज थी जिसका 18 जुलाई 2019 को 11:30 बजे से आपका इंटरव्यू होने वाला है। वेन्यू रहने वाला है कॉन्फ्रेंस हॉल एट डीन ऑफिस गोवा मेडिकल कॉलेज बोमलिन गोवा में आपको जाना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी फोटोकॉपी है जो डॉक्यूमेंट्स की वो लेके और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोकॉपीज है, पासपोर्ट साइज फोटोज है वो लेके और इंटरव्यू से 30 मिनट पहले आपको चले जाना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इस वैकेंसी के जॉब करने के योग्य होते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।